नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच्चाई की खोज में लोगों के बीच में पहुंचे हैं। सीधी बात उन लड़कियों से कर रहे हैं जो फैक्ट हैं डेरा सच्चा सौदा पे, बाबा राम रहीम जी के बारे में जो बताना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा में आज भी जाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दर्शना इंसान। लोगों की नज़र से बाबा जी वहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारी नज़र से हमारे सतगुरु हमारे पास हैं। हर पल जब भी हम याद करते हैं, हर पल हमारे पास, हमारी रक्षा करते हैं, हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। बहुत पिताजी के जाने के बाद लोगों में नशा बढ़ गया है, बहुत सारे अत्याचार होने लग गए हैं। कहाँ पिताजी इतना सुधारते थे, इतने लोगों का नशा छुड़ाते थे, वहाँ बढ़ चढ़ कर नशा लोग बच्चे कर रहे हैं, घर के घर नशों में बर्बाद हो रहे हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मीडिया ने जो इतना कुछ दिखाया, उसके बारे में आपके क्या विचार? मीडिया ने तो कुछ सच दिखाया ही नहीं है। जो सच हो रहा है वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? यहाँ आके दिखाए ना क्या ब्लड दान हो रहा है, क्या गरीबों को कपड़े बांटे जा रहे हैं, क्यों नहीं दिखाती मीडिया? मीडिया तो सब कुछ झूठ ही सामने ला के खड़ा कर रही है, सच तो कुछ भी नहीं दिखा रही। वो सच आके दिखाए ना, यहाँ सामने आए मीडिया, यहाँ हमारे सामने खड़े होके बोले, फिर बताते हैं उनको क्या सच है। सवाल है मीडिया से कि अगर मीडिया को सच जानना है, किसी सूत्रों के हवाले से वो खबर ना जाने, वो डायरेक्ट इन लोगों से बात करें और जाने क्या होता है डेरा सच्चा सौदा में। ये भी वो बहन बेटियां जो डेरा सच्चा सौदा में आज भी आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप आज भी आ रहे हो बहन बेटियों के डेरा सच्चा सौदा में, क्या सुरक्षित हो आप लोग? बिल्कुल सुरक्षित, इतना तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है जितना हम डेरे में सुरक्षित है। अब हमें सेवा करके, दो दिन की सेवा करके आज घर जाना है, तो घर जाने का मन नहीं है कि हम घर चले जाए। ऐसा लग रहा है कि हम अपने गुरु के, अपने सतगुरु के घर में ही रहेंगे। लोगों को क्या बताना चाहोगे, डेरा सच्चा सौदा क्या है, बाबा राम रहीम जी कैसे? लोगों को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा एक उच्च कोटि की संस्था है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इनसे जुड़े और अपनी ज़िंदगी सुधारें, और अगले पिछले पूरे जन्मों का यहाँ सुख मिलता है, यानी कि एक इसी जन्म का, अगले जन्म का भी सुधार होता है यहाँ पर।